आज विश्व बाघ दिवस है, यानी कि बाघों को याद करने का दिन। वैसे मध्य प्रदेश तो टाइगर स्टेट भी है, जहां तकरीबन 750 से ज़्यादा बाघ हैं। और फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तो वो शहर है जिसके चारों ओर 20 से ज़्यादा बाघ घूमते हैं। वैसे प्राणी विशेषज्ञ इनको अब अर्बन टाइगर कहते हैं। ये कैसे टाइगर हैं जो बसाहट से नहीं डरते और शहर के पास ही रहते हैं, और शहर वाले भी तो इनसे नहीं डरते। देखिए बाघ दिवस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आज पूरा भारत देश विश्व बाघ दिवस मना रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हर चार साल में बाघों की गणना भी होती है, और आंकड़े गवाही देते हैं कि देश भर में बाघों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। 18 साल पहले 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जो 2010 में बढ़कर 1706 दर्ज की गई। इसके बाद 2014 में बाघों की संख्या 2226 बताई गई। 2018 में ये संख्या 2967 दर्ज की गई। तो वहीं 2022 में हुई गणना में बाघों की संख्या 3167 थी। आंकड़े यही बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में बाघों के लिए भारत जन्नत बनता जा रहा है। भारत ने पिछले 50 सालों में टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के दुनिया में कीर्तिमान बनाए हैं। आज हमारे टाइगर रिजर्व्स की संख्या 55 से ज़्यादा हो गई है। इस सब में सबसे पहले मैं हमारे फॉरेस्ट के जो फ्रंट लाइन के जो कर्मचारी रहते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट हैं, इसमें जो हमारे विशेष रूप से वाइल्ड लाइफ लवर हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं जो अपने ट्रेडिशन के कारण इन सारे विषयों को बना के रखती है, उस पर हम गर्व करते हैं। फिलहाल देश में बाघों की संख्या 3925 है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है 785, इसके बाद कर्नाटक में है 563, उत्तराखंड में बाघों की संख्या 560 है, महाराष्ट्र में 444 औसत बाघों की संख्या है। यानी पूरे देश के 20% बाघ हमारे यानी मध्य प्रदेश में ही हैं। बाघ नाम लेते ही रोमांच आ जाता, आनंद आ जाता। और हम तो और सौभाग्यशाली, कैपिटल और भी है, कई राज्य है, लेकिन हमारी भोपाल की कैपिटल अब सब पे भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ दिन में मनुष्य घूमते सड़कों पे, रात में बाघ घूमते। कोई राजधानी ऐसी नहीं है जहाँ ये बाघों का ऐसा विचरण होता है। हम अपनी अपनी टेरिटरी में अपना अपना आनंद लेते हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा है, बदलते दौर में ये अनुभव भी हो रहा है। ये सच है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा महानगर है जिसकी नगर निगम चौहद्दी के अंदर बाघ और बाघिन खुलेआम गश्त लगाते हैं। यानी दिन में जिस कलियासोत नदी के किनारे लोग बैठते हैं, गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लोग सुबह वॉक भी करते हैं, तो वहीं रात में बाघ घूमते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रात के वक्त एक या दो नहीं बल्कि पूरे 25 बाघ या बाघिन घूमते हैं। लेकिन इंसानों के इतने करीब पहुंचने के बावजूद बाघों के साथ भोपाल में कभी भी इंसानों के किसी संघर्ष की कोई खबर सामने नहीं आई। यही वजह है कि भोपाल के आसपास रहने वाले इन बाघों को अर्बन टाइगर का नाम दिया जाता है। जगह जगह पर ऐसे साइनिंग बोर्ड भी लगाए गए हैं जहां पर लिखा गया सावधान, बाघ विचरण क्षेत्र जंगल में ना जाएं। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, लोगों को सावधान भी करते हैं, लेकिन पर्यटक यहाँ पर लगातार घूमने भी आते रहते हैं। कहा यह जाता है कि बाघ जो हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि बाघ जो हैं जब सड़कें सूनी रहती हैं तब वो सड़कें में आते हैं, अगर आवाजाही या सड़क लगातार चलती रहती है तब वो सड़क में बहुत कम मूवमेंट करते हैं। फिलहाल पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बाघों के संरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश लगातार अच्छा कार्य करता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है। यानी भोपाल के बाघ अब अर्बन बाघ की श्रेणी में आ चुके हैं, यानी वो अब इंसानों के मूवमेंट में ढल चुके हैं। जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड्स को बाघों के मूवमेंट की खबर लगती है, वो तत्काल बैरिकेड लगाते हैं और लोगों को उस क्षेत्र में आने जाने से रोकते हैं। नहीं, टाइगर डर तो नहीं लगा, हालांकि टाइगर भी तभी आते हैं जब जहाँ सुनसान जगह होती है, ऐसे निकलते नहीं, आते नहीं दिन में भी। और मध्य प्रदेश तो अच्छा शहर है, टाइगर शहर है, वन विहार हुआ या पचमढ़ी और भी आसपास जो शहर हो, तो शहर जहाँ है मतलब टाइगर वो शहर है मध्य प्रदेश भी। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ बाघों की मौत की खबर आने से हड़कंप मचता है, तो वहीं उनकी जान बचाने के लिए सरकार स्पेशल ट्रेन तक चलाती है, और अब सरकार कूनों के चीतों की सीमा बढ़ाने पर विचार भी कर रही है।
यानी मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण तक चीतों का मूवमेंट बढ़े, इसके लिए सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बाघ जंगल के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में भी दखल देते हैं। आपको याद होगा चुनावी सभाओं में टाइगर अभी जिंदा है बोलने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो इन दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री बनकर देश की सेवा दिल्ली से कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में टाइगर का असर जंगल से लेकर शहर तक।